बहुत बढ़िया, मेरे होठ पानी की वजह से सूख रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। पहली बार देखे भैया ने भूत मूवी। भैया वैसे एक साल से चुड़ैल ही थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेन्द्र सेवन व्लॉग्स। और अच्छा भला सोचा था कि घर पे रहेंगे, ठीक है, थोड़ी मूवी वगैरह देखेंगे, थोड़े कुछ चैलेंजेस शूट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा जाएंगे बाहर। बट अचानक से यार सुबह सुबह जैसे ही सो के उठी, इनके असिस्टेंट्स का कॉल आता है कि वो पेशेंट आ गया है और उसकी लीज थेरेपी है, तो इन्हें निकलना पड़ेगा। क्योंकि आज इन्होंने पूरा प्लान कर रखा कि आज मैं घर, मैंने लिटरली बोल रखा था कि मैं नहीं जाऊंगी। अब मुझे पता नहीं किसके एंड से है क्या है, पर अभी क्योंकि वो पेशेंट यार बहुत दूर से आए हैं। एंड ये बज रहे हैं दोपहर के 4 एंड शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट। तो जस्ट अभी आए हैं क्लिनिक से आज, हालांकि इनकी छुट्टी थी, ऐसे गए थे, ऐसे ही आए हैं। अभी नहाए भी नहीं होते, कैसे खुश होके बताया जा रहा है जैसे तीर मार रही हो। नहा ही नहीं अभी। मैं इनको सोच रहा हूँ कि मूवी वूवी दिखा के लाऊं यार, ये ऐसी सड़ी है, पता है, मतलब बहुत सड़ी है यार ये। यार नहीं, मैं बताती हूँ, इतना मस्ती करने वाली इंसान थी ना कि जिसको घूमना फिरना इतना पसंद है, फिर शादी होगी। जिम्मेवारियों ने ऐसा ऐसा, कौन सी जिम्मेवारी? मेरे सपनों ने यार, तुमने नहीं, मेरे सपनों ने, तुम तो मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं कर। बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, यू आर वेरी सपोर्टिव, यू आर वेरी काइंड। ये मेरी बात तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि इनको थोड़ा ना यार चिल आउट करके आऊँ, थोड़ा सा मूवी वगैरह दिखा के लाऊं। लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगले फ्राइडे, मतलब कमिंग फ्राइडे को मेरे सबसे खास अक्षय कुमार जी की, मेरे फेवरेट अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही, तो वो तो मुझे देखनी देखनी। तो कल को फिर तुम ये मत कहो कि अभी तो देखने गए थे, अब नहीं जा रहे। तो इनको मैं दिखा के लाऊंगा अभी भूल भुलैया 2। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जो पिछली क्लिप थी और इस क्लिप के बीच में सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। इनका फोन आया, फोन पिक करने के बाद बेबी बेबी करते हुए आई। और क्या अब कैसे लगी है? ये लग गया, ये यहाँ पे रखा हुआ था, ये तो बिल्कुल साइड में, फिर ये कैसे लग गया? लेके आई प्रेस करवाने के लिए, धराशाई पड़े। हाँ उठ जा उठ जा उठ जा, लग गई क्या तेज? कीड़ी मर गई कीड़ी। कहीं मम्मी को बताऊं, ऐसे कह रहे हैं मम्मी को बताऊं कोई मेडल वेडल जीत के आई है। मेरी अच्छी लग रही है कह रहे हो, तेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है। आज तो ये बहुत मुश्किल से कन्विंस किया इनको, कहते कहते अरुण नहीं नहीं, पहले इन्होंने पता क्या किया, मैं बताती हूँ। ये ना एक इनका बहुत बड़ी प्लानिंग थी, इन्होंने पता क्या किया, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी, पहले मैं नहा के आई। मेरे को बोलते अच्छा तू ना प्लीज एक वीडियो शूट कर दे, उसके बाद तू सो जाना। फिर जब मैंने एक वीडियो शूट करी, मेरे को कहते यार तू प्लीज एक और वीडियो शूट कर दे, फिर तू सो जाना। जब मैंने वीडियो शूट करी तो मेरी आधी नींद उड़ चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे को कहते यार प्लीज चल लेना। फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, तू मेरे साथ कहीं नहीं जाती है, तू ये नहीं करती है, तू वो नहीं करती है। फिर मैं कपड़े पहन के खड़ी हो गई। नहीं ये नहीं कहा मैंने इमोशनली ब्लैकमेल, हाँ ये है कि कहीं नहीं जाते यार मेरे साथ, क्योंकि ना इनको शर्म आती है मेरे साथ चलने में, यार इतने स्मार्ट है। तो यार हम लोग निकल चुके हैं मूवी देखने के लिए, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, बट ठीक है चलो। बट शी विल एंजॉय। मतलब पता क्या है, मैं क्यों लेके जाता हूँ इनको यार, इनका ना मतलब थोड़ा सा मतलब इनका क्या वैसे, मतलब जो नहीं अलग है नहीं यार, मतलब इनका थोड़ा सा काम वगैरह यार ऐसा हो गया ना, काफी इरिटेट सी हो जाती है, और थोड़ा सा इनका यार मूड ठीक नहीं होता। जब इनका मूड ठीक नहीं होता ना, तो फिर मैं इनको ना आउटिंग पे लेके जाता हूँ, ताकि ना ये जाए थोड़ा सा ना एंजॉय करे। जैसे मुझे पता है कॉमेडी मूवी है, तो थोड़ा सा हंसेंगी, थोड़ा सा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। फिर इनको मैं थोड़ी अभी ड्राइविंग वगैरह भी देने वाला हूँ, तो शी विल ट्राई हर हैंड्स ऑन ड्राइविंग टू। आई एम अ गुड ड्राइवर। यू आर अ गुड ड्राइवर बेबी, यस यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, बिकॉज यू आर ड्राइविंग मी सो क्रेजी। तो यार अभी निकल रहे, बट मैंने ना मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने बिल्कुल ड्राइविंग छोड़ दी थी कोविड के टाइम पे। तो उसके बाद से मैंने मतलब इट्स बीन 2 ईयर है ना, नहीं पर लास्ट ईयर तो मैंने घर पे चलाया था आराम से, तो मतलब लास्ट ईयर से भी नहीं, पर अब मैंने अरुण को बोला, मैंने कहा नहीं यार वो जब आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, उस डर को खत्म करना जरूरी है, तो मैंने कहा फिर से स्टार्ट करते हैं। 2-3 दिन लगेंगे बैक टू ट्रैक आने में। उसे दिन नहीं, महीने
और जस्ट शट अप, लड़के नहीं, लड़कों की तरह नहीं हूँ मैं जो टाइम ले, लड़कियां जो सीखती है ना वो एकदम सीखती है, जो नहीं सीखना वो नहीं सीखती, लड़कियां टाइम नहीं लेती, हकीकत बात है, वो तैयार होने में हो बेटा, वो इसको बोलते हैं जो 4-5 बजे शूट करते हैं उस टाइम पे सनलाइट आती है, मेरी स्किन अच्छी ही है बेटा, आप तो आपकी तो होम रेमेडी करते हो, सबको बताते हो आप तो अच्छे हो गए। हे कन्या, तुम्हें जीवन में शादी की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर कभी भी तुम कोई काम करोगे जिसमें तुम्हें लगेगा कि गलत हुआ है तो किसी पर तुम्हें इल्जाम लगाना होगा, उसके लिए तुम्हें शादी की तो उसके लिए तुम्हें शादी के लिए नहीं एक पति की जरूरत होगी। पति वो इंसान है जिसके ऊपर आप अपने सारे के सारे इल्जाम क्या कर सकते हो, थोप सकते हो, लगा नहीं थोप सकते हो, प्यार से बोलो थोप सकते हो। तो करो स्टार्ट, लेके भगवान का नाम, जय माता दी। नहीं है कोई दूर दूर तक नहीं है, बहुत दूर है वो लोग। चलो नेगेटिविटी नहीं फैलानी, नेगेटिविटी नहीं, चलो अभी एक्चुअली क्या है कि उसको स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट होगी गाड़ी, मेरे को पता है। हाँ करो, शाबाश, कर रही हूँ। अच्छा तुम्हें पता है ना मेरा फेयर कैसा हुआ पड़ा है? हाँ मैं कोई नहीं, सब ठीक होगा। 1 2 3 टेक इजी पीजी, या स्टेनलाइट, या डरना घबराना नहीं है, मैं हूं ना, अच्छी मूवी थी। शाबाश, सही चल रही है गाड़ी, एक नंबर, वाह, मान गए उपासना, बहुत बढ़िया। मेरे होठ पानी की वजह से सूख रहे हैं। अब देखो एक राउंड अबाउट आएगा, ये बहुत हमारे लिए वो है, रुक जो यार बाद में करता हूँ व्लॉग शूट। दे आर, वी आर वेरी सेफ, थैंक यू सो मच, नो एनिमल्स वर हार्म्ड व्हाइल ड्राइविंग, और सब ठीक है। थोड़ी सी हार्ट बीट मेरी थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे हो रही है, बट नहीं यार एक्चुअली पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी अपनी हार्ट बीट को बाहर निकाल के रखती है, तुम एक गाड़ी में तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर, क्या हार्ट बीट को निकाल के वीडियो बना दी, फोटो क्या कर, देखो ये बहुत क्यूट लग रहा है, यहाँ इनकी वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, एंड मूवी से पहले ये हमारे आज के स्नैक्स हैं, और ये मेरा छोटू सा बच्चा, ये मेरा छोटू सा बच्चा है। पता क्या होता है कि आप शादी जो होती है ना आपकी, तो जो आपकी वाइफ होती है ना, तो मतलब उसको ना एक बच्चे की तरह ही पैम्पर करना पड़ता है, ये हकीकत है। पता क्या होता है, जब हमारी शादी होती है ना दो लोग, चाहे कितने भी साल पुराना रिश्ता क्यों ना हो, जब आप बहुत अलग रहते हो ना तो रिश्ता बहुत अलग होता है। जब आपकी नई नई शादी होती है ना, वहाँ झगड़े भी होते हैं, हर तकरार भी होता है, तो वहाँ पे जैसे नया नया बच्चा पैदा होता है ना, वैसे रिश्ते को संभालो, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्रॉलिंग करता है, रिश्ता भी वैसे ही पनपता है। इसके पेशेंट है ना, जैसे ल्यूकोडर्मा के पेशेंट है, तो मैंने ये देखो सारा डाला था ना, तो कितने तरह से वो हो रहा है, हम पता है मूवी देखने आए हैं, ठीक है, तब से अरुण ये पेशेंट्स थे, अरुण इनका ये था, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी वॉशरूम में पढ़ा है कि वाटर मतलब कैसे रिसाइकल, वेरी 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 गुड इनिशिएटिव। तो मूवी देखने के बाद ये हमारा डिनर है, अभी बज रहे हैं रात के 10:15, और मैम लगी हुई है अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड करने में, देखो कितना अच्छा लिखा मैंने इसपे, ठीक है, तो अभी डिनर करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं मूवी कैसे लगी। दोबारा बोलो क्या बोला। सो आफ्टर वॉचिंग भूल भुलैया 2, ऑल सेट टू गो, कैसी लगी मूवी? एवरेज, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था ना, कई कई जगहों पे थोड़ा डर सी जा रही थी, पूछ रही थी अरुण ये कॉमेडी है या हॉरर है, मैंने कहा टेंशन मतलब को। मैंने वो मूवी के लिए, तो ये अभी हम जा रहे हैं किसी को पिक करने के लिए, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कौन किसी की कैब, अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो कैब से आ रहा था, उसकी कैब पंचर हो गई किसी की, वो अभी हम बताएंगे कौन, तू निकाल ले भाई तेरे पास ट्रक। भूल भुलैया, कैसे पार हुई? मतलब कैसी लगी? नहीं नहीं, भूल भुलैया कैसे पार हुई, भूल भुलैया पार करना, पहली बार देखे भैया ने भूत मूवी, भैया वैसे 1 साल से चुड़ैल ही थी। इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आ सकता, सोराइसिस हमेशा टाइम लेता है, और सोराइसिस के केस में आपको पता है डाइट के प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइट के प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये 11:30 बजे रात के, ठीक है, देख लिया होगा क्लिप में आप लोगों ने, ठीक है, इसमें कितना भी गरम डालो ना पता ही नहीं, और ये
इनको जो चोट लगी है ठीक है उसकी देखा ना, अभी ये जो ऊपर उस टाइम लगी है भी नीली, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया। ओहो ये आज फिर से जो चोट लगी है वो, और ये इनके नाखूनों में मम्मी करती है। गरम नहीं है, इसमें कितना भी गर्म डालो ना पता ही नहीं। तो मम्मी मम्मी का ना अपना खुद का सेंटर है दवा खाना का ठीक है, घरेलू उपचार के। एक अलग से हेड मम्मी, एक अलग से चैनल बनाना पड़ेगा मम्मी का, मनोरमा की दुनिया। मम्मी मनोरमा और क्या बना दो मनोरमा। इतनी ये दुनिया अभी मेरे से संभल नहीं पा रही है, एक और संभलवा दो। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और एडिटिंग हो गई है कम्प्लीट, तो मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड। लेकिन 11 बजे सुबह मतलब आज उपासना की दुनिया चैनल पर इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है कि यू कैन लूज अप टू 3-4 केजीज वेट इन जस्ट 1 वीक, और वो भी मोमोज डाइट के साथ। कि मोमोज डाइट प्लान बनाया है उपासना ने, एंड वो वीडियो आप लोग देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग। 11 बजे मतलब 10 बजे ये ब्लॉग अपलोड होगा और 1 घंटे बाद उपासना की दुनिया चैनल पर। तो ठीक है इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। एंड लाइक कर देना, एंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड एक कमेंट छोड़ देना प्यारा सा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।